Hello, this is Muskaan Kataria and you are watching me on Times of India. Many, many things are happening in my life and obviously some of the new projects are coming up which I am going to reveal soon, very soon. And yeah, jab aayega tab main bata dungi. नहीं जब मैं यहाँ 2018 में कैंपस प्रिंसेस के आई थी तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं आगे क्या करूँगी बिकॉज मेरा मॉडलिंग से ही करियर स्टार्ट हुआ था एंड मॉडलिंग के थ्रू ही मैं मुंबई में आई थी बिकॉज ऑफ कैंपस प्रिंसेस आई हैव कम टू मुंबई एंड आफ्टर दैट एक डेढ़ साल हो गया उसके बाद मुझे जब मैंने मॉडलिंग का करियर स्टार्ट रखा मेरा उसके बाद मुझे टी वी का ऑफर आया और मुझे नहीं पता था मैं रियलिटी शो से स्टार्ट करूँगी बट yeah, it has been amazing कि मैंने मेरा डेब्यू स्टार प्लस पे इतना अच्छा हमारा प्लेटफॉर्म था और इतना अच्छा हमारा शो था वहाँ से मैंने मेरा डेब्यू किया टी वी में तो आई फील ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है मैं हर चीज़ के लिए ओपन हूँ मतलब मैं फिल्म्स के लिए भी ओपन हूँ मैं टी वी सीरियल्स के लिए भी ओपन हूँ एंड इन फैक्ट फॉर डांसिंग आई एम trying to take my dance seriously nowadays because dancing जब मैंने सीख लिया है तो dancing में मुझे और अच्छा करना है और अगर मैं practice करूँगी तो मेरा dance और improve हो सकेगा so for that as well I have something in the next few day weeks I think so I will reveal that too so I'm working on my dance as well and I'm open to every work that comes to me I cannot limit myself See, that is a part of acting. I can act as in I can be any character because that is what acting is about. So be a bahu, be a beti, be a ma. Naagin, I love that. I love Naagin. Supernatural cheeze hoti hai yaar. To kyun pasand nahi aayega? Anyway, aapka acting ka part hai. Acting ka matlab ye hota hai ki you have to be somebody else. So that depends ki which is good for you and how you can portray some other characters. Nahin, I don't think so. Main jaisa bhi bola, har character apne liye alag jagah pe stand leta hai. Aur agar main abhi supposingly main kuch history mein jaake main kuch Akbar ka serial leti hu ya fir main matlab mythology mein jaati hu ya main kuch bhi aur karti hu to usko aap accept karoge aap Naagin ko accept kyun nahi kar sakte ho? Naagin bhi to ek see it is a fictional show. एंड फिक्शनल में आप कुछ भी सोच के आप कुछ भी इमेजिनरी चीज़ें करते हो उनके लिए हैट्स ऑफ है जो उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं जो कि एक्चुअली वो अपने दिमाग में इमेजिनेशंस को इमेजिन करके फिर वो उसको परफॉर्म कर रहे हैं तो आई थिंक यू शुड फील कि वो लोग बहुत एक मेहनत का काम कर रहे हैं मतलब नॉर्मल किसी का कैरेक्टर पोर्ट्रे करना इज स्टिल ईजी बट जो कि कैरेक्टर है ही नहीं आप उसको लेकर आप इमेजिन करके आप उसको पोर्ट्रे करोगे दैट इज़ द डिफिकल्ट पार्ट आई थिंक मेरी मोनी डॉय है मेरी अभी जो रीसेंट की मिया और जैस्मिन है ये हैं मेरी सारी फेवरेट है मुझे सबसे मिलना है आई वॉन्ट टू नो कैसे इमेजिन किया था उन्होंने सी देयर आर सो मैनी अनीता दी है मधुरिमा दी है युविका दी है युविका दी तो इज एवरीवेयर मतलब मूवीज में भी है सॉन्ग्स में भी है तो आई थिंक सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर का मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ मैं हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखती हूँ इनफैक्ट एक बच्चा भी आपको कुछ सिखा के जाता है तो अगर मुझे इस एक्टिंग फील्ड में जाना है तो आई थिंक जो भी इस एक्टिंग पार्ट में इस एक्टिंग फील्ड में है वो हर कोई मुझे कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएंगे अगर मैं टी वी में करती हूँ तो मुझे Naagin करना हाँ As a person, I have not changed at all. I was the same last year. आप अगर मैं इसी ऑफिस में आई थी एंड स्टिल आई एम फीलिंग हैप्पी कि मैं वापस उसी ऑफिस में आई हूँ एक साल एग्जैक्ट एक साल पहले मैं यहाँ पर आके गई थी एंड वो चीज़ आज भी उतनी ही वैसे ही सिमिलर चलती जा रही है एज अ पर्सन आई एम स्टिल द सेम आई हैवन्ट चेंज्ड अ सिंगल लिटिल कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं मेरे में Yeah, I would love to go in Khatron ke Khiladi or Bigg Boss. Yeah, Bigg Boss, Khatron ke Khiladi. There are so many reality shows which I would love to do. Mera cup of tea nahi tha Nach Baliye. I'm telling you, I wasn't a. See, I was a dancer, but I couldn't see myself there at that time. कि भाई मैं इतना hardcore perform कर लूँगी वो भी इतने अच्छे dancer के साथ.
तो जब मैंने उस डांसर के साथ उसको मैच कर लिया तो आई थिंक आई कैन डू एनीथिंग. सी आई डोंट यूज माय फोन मच. मुझे सिर्फ मेरे घर वालों से बात करनी होती है, मॉम डैड दीदी, बस ये तीन. नहीं मिलेगा तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि उनको पता रहेगा कि मैं, वो लोग मुझे टीवी में कंटिन्यूसली देख रहे होंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और उनको प्रॉब्लम नहीं होगा तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगा. मैं बहुत कुछ कर रही हूँ और मैं बहुत जल्दी बताने वाली हूँ. आई थिंक इन द न्यू ईयर न्यू थिंग्स, न्यू प्रोजेक्ट्स वुड कम एंड आई वुड कम डेफिनेटली टू टेल एवरीबडी के वॉट इज हैपनिंग एंड हाउ इट इज़ हैपनिंग. येस आई लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, बिकॉज आप लोग जो मुझे प्यार दिए हो अभी तक, तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है. एंड आई लव यू ऑल एंड आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट एबल टू गेट इन टच विद यू ऑल, बट प्लीज़ कीप योर सपोर्ट, योर लव एंड एफर्ट्स फॉर मी ऑलवेज. थैंक यू.